हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वप्निल करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे केवीएस में जो सीपीटी एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, उस बारे में ये वीडियो है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। मेरे पास में एक पीडीएफ फाइल है जो एसएससी सीजीएल का सीपीटी जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका जो ये पीडीएफ फाइल है, ठीक है। इसमें आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगी कि वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट जो है कितने मिनट का होता है। तो वो होता है 15 मिनट्स का, यानी 15 मिनट का होगा आपका, जिसमें 2000 की डिप्रेशंस अप्रोक्स 400 वर्ड्स का आपको जो है टाइप करना होगा। जो भी उनका फॉर्मेट दिया जाएगा उसमें आपको फॉर्मेट में आपको टाइप करना होगा। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास में मैंने एक बनाया हुआ है, यही मॉडल टाइप में मैंने एक बनाया हुआ है, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा आने वाले वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपका टेस्ट होगा, जो होगा 15 मिनट्स का। नीचे आपको कुछ लिखा हुआ है, इसका जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ आप ये देख पा रहे हो, ये पीडीएफ मैं शेयर करूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएंगी, उस पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहां पे आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट विल बी इन इंग्लिश ओनली एंड विल बी एडमिनिस्टर्ड ऑन एसएससी एनआईसी, उनका जो एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है उसमें ही ये जो है टेस्ट लिया जाएगा, जैसा उनका कहना है। एज पर कमीशन गाइडलाइन नॉर्मली अप टू 5% मिस्टेक्स आर अलाउड फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स एंड अप टू 7% मिस्टेक्स फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। यानी जैसे कि आप समझ गए होंगे कि 5% मिस्टेक अलाउड है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, एंड जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 7% मिस्टेक्स यहाँ पे अलाउड है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो दोनों के रोल्स जो है कहीं ना कहीं मैच करेंगे, ठीक है। आपको इससे आइडिया क्लियर हो जाएगी। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट विच इज इवेल्यूटेड ऑन द कंप्यूटर विल बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स फॉर इवेल्यूशन ऑफ देयर एक्सेल शीट टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन एमएस एक्सेल विल बी एडमिनिस्टर्ड ऑन एमएस ऑफिस 2007। जो ये जो टेस्ट ली गई थी, ये ली गई थी एमएस ऑफिस 2007 में। एमएस ऑफिस 2007 के जितने भी ऊपर के वर्जन हैं, आपको होम में जो फंक्शन मिलेंगे वो सभी में सेम रहेंगे, ठीक है। कुछ भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एडिट में आपको जो फंक्शन मिलेंगे वो सेम रहेंगे, जितने भी फंक्शन होते हैं वो सबके सब वो सेम होते हैं। थोड़ा सा फर्क बिल्कुल होगा, बट अगर मेरे से पॉसिबल हो तो मैं आने वाले वीडियोस में एमएस ऑफिस 2007 जो इंस्टॉल करके उसके ऊपर भी मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगा, अगर आपके ज्यादा कमेंट्स होंगे तो। द कमीशन विल फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स इन एमएस एक्सेल टेकिंग इनटू अकाउंट नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल एंड कंपेरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द मॉड्यूल। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू जनरेट अ स्प्रेडशीट एंड मेक ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस और कंप्यूटेशंस थ्रू फॉर्मूलास इन द स्प्रेडशीट एज पर इंस्ट्रक्शन इन द एक्सरसाइज शीट। यानी आपको एक्सरसाइज शीट दी जाएगी जिसमें जिस भी टाइप से आपको चेंजेस कहा जाएगा, जिस भी टाइप से आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कहा जाएगा, जो भी आपको फॉर्मूलास के यूज से जो कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाएगा उसी हिसाब से आपको वो जो है करना है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, एमएस एक्सेल के ऊपर दो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। वीडियोस में जाके आपको वो वीडियोस दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द सुपरवाइजर हाफ एन आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट और एट द रिपोर्टिंग, ठीक है। आपको जो है जो भी आपका टाइम रहेगा उसके पहले ही आपको सेंटर पे पहुंचना है, वो सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है। यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उनका साथ में होने वाला था, तो उनका भी कुछ यहाँ पे दिया गया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एससी एसटी एजुकेशन मैट्रिकुलेशन, वो सब चीजें हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नीचे हम लोग कुछ और एक 7 नंबर का पॉइंट दिख रहा है। कैंडिडेट शुड टाइप देयर पर्टिकुलर रोल नंबर एक्सेट्रा इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द स्क्रीन, वेरीफाई हिज और हर पर्सनल डिटेल्स। यानी इस तरीके से आप करेगा, ठीक है। आपको जो है कैंडिडेट्स नेम एंड रोल नंबर के लिए स्पेस प्रोवाइड की जाएगी। आपको यहाँ पे रोल नंबर और आपका नाम लिखना है और जो भी डेट होगा, जो भी टाइम, जिस भी टाइम या जिस भी शिफ्ट आपका एग्जाम होगा, वो सारा आपको ही टाइप करना होगा। इस तरीके से आपका पैराग्राफ होगा जो आपको टाइप करना होगा, जो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर कैसे देना है, कैसा उसको हेडर यानी हेडर कैसा होगा, फुटर कैसा होगा, यानी फुटर में कुछ और तो नहीं होगा, वो भी मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया हुआ हूँ क्योंकि आपको जो है समझ में आ जाएगा कि वर्ड प्रोसेसिंग जो टेस्ट होता है वो 15 मिनट्स का होगा, 2000 की डिप्रेशन, 400 वर्ड्स एंड एक्सेल शीट में आपको जो है वो एक्सरसाइज शीट प्रोवाइड की जाएंगी, उसमें जिस भी टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस या कंप्यूटेशन आपको कहा जाएगा उसी तरीके से आपको कंप्यूटेशन यानी फॉर्मूलों का यूज करके आपको जो है वो कैलकुलेशन करना है। अगर इससे रिगार्डिंग आपके कुछ कमेंट्स होंगे तो आप प्लीज उसको कमेंट्स को लिखिए नीचे, और आप चाहते हो कि और एक्सरसाइज मैं करवाऊं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।